हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। उससे पहले मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। वीवीएन 400 mg का विटामिन ई का कैप्सूल है, तो इसको मैंने मंगाया था मीशो से। आप भी जल्दी से जल्दी ले लीजिए अगर आपके भी हेयर एंड स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरा डिब्बा मंगाया था, इसमें 5 पैकेट्स हैं और ये देखिए 5 पैकेट्स हैं इसमें। 1 पैकेट का रेट जो है MRP है जो वो ये मुझे पूरा टोटली ऑफर था तो मुझे 137 में मिल गया है। और इसका जो रेट है वो 495 रुपये 495 का है, बट मुझे 137 रुपये 137 का मिल गया है। एक पत्ते का जो रेट है वो है 99। उसके क्लियर दिख रहा हो 99 है। इसमें 400 mg की कैप्सूल्स है। ये कैप्सूल्स किस लिए यूज होते हैं? आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आँख बंद करके यूज़ करो, ये डेफिनेटली फ़ायदा करता है। एंड आपकी स्किन पे रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्कल है, स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ये काफ़ी हद तक दूर करता है। तो उसके लिए पहले आपको जो ये कैप्सूल है इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसमें छेद करना है। ओके, सुई का भी हेल्प ले सकते हो बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इसको दांत से वो कर लिया है। अब इसको हाथों पे इस तरीके से ले लेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा हो। पूरा इसका जेल निकाल लेना है। आप इसको रात में यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जहाँ पे आपको डार्क सर्कल है वहाँ पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और इसको मसाज करना है थोड़ी देर तक। इससे आपकी जो फाइन लाइन ऐसे लाइन पड़ जाती है आंखों के आसपास, झुर्रियाँ आ रही है चेहरे पे, उसको कंट्रोल करता है। डार्क सर्कल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है एंड आपकी स्किन को यंग एंड ग्लोइंग बनाता है। तो आप इसको अपने फेस पे तो यूज़ कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप हेयर फॉल के लिए इसको कैसे यूज़ करोगे? जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी जो भी तेल आप लगाते हो, सरसों का, नारियल का, कोई सा भी बादाम का, जो भी तेल लगाते हो। मैंने अभी फ़िलहाल में इंदुलेखा मंगाया हुआ था तो मैं इसके साथ ही इसको मिक्स करके लगाया था मैंने कल। तो एक बाउल में अपने हेयर के अकॉर्डिंग ऑयल को ले लेना है, 2 विटामिन की कैप्सूल उसमें मिला देने, अच्छे से मिक्स करना है, स्कैल्प पे लगाना है, अच्छे से मसाज करना है, देन रात भर के लिए छोड़ देना है। एंड सुबह जो भी शैम्पू आपको सूट करता है उससे आप यूज कर लीजिए। जैसे मैंने हेयर वॉश किया है एंड मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रफ एंड ड्राई एंड फ्रिजी दिख रहे हैं। तो इसके लिए भी अपने हाथों पे आपने ऑयल को फैलाया है और थोड़ा थोड़ा आप इसको इस तरीके से लगा दो तो आपके जो रफ एंड ड्राई हेयर हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे एंड आपकी हेयर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दिखेगी एंड कंडीशनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो आई होप कि आज का टिप्स आपको अच्छा लगा हो, ये वाले टिप्स के विटामिन ई कैप्सूल का, तो आप ट्राई कीजिएगा। 100% इफेक्टिव है, मैंने इसको यूज़ किया है। मैं कोई भी चीज़ बिना यूज़ के नहीं बताती हूँ आप लोगों को, यूज़ करती हूँ, जो भी रिजल्ट आता है अच्छा बुरा सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसको मंगा लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला। बाकी आप भी यूज़ कीजिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टाग्राम प्रीति तिवारी 24 है तो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जितना भी मेरा ड्राई एंड डैमेज हेयर था वो मैनेज हो गया यहाँ पे और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट बाय पे तो आप ले ही सकते हो, साथ में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट बाय पे काफ़ी महंगे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं बट जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप बाय करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने हेयर को इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से आपको लेना है और इसको किसी भी साइड से ले सकते हो। तो मैं इधर से ले रही हूँ, इधर से इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कैमरे में क्लियर दिखे। ओके, इसको यहीं पे सिक्योर कर दे रही हूँ। बाकी सारे हेयर को अच्छे से कॉम कर लेंगे और सेंटर में कोनी बना लेंगे। Thank you.
गोली बनाने के बाद आपको यहाँ पे पतला वाला रबड़ बैंड यूज करना है, ये वाला। इस तरीके से आपको सेंटर में इस तरीके से थोड़ा सा रबड़ बैंड को यूज करना है, जिससे कि हमारा जितना भी हेयर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और जब आप इसको बना रहे हो तो बीच में आपको नहीं करना है, बीच में करोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है बीच से फट जाएगा और सारे हेयर नीचे ही करना है। साइड साइड में आपको इस तरीके से डालते जाना हेयर। इतना करने के बाद आपको ये जो फ्रंट का हेयर था इसको ओपन कर लेना है, अच्छे से कॉम करना है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक चोटी बनाएंगे। जो ये हेयर हमारे निकल रहे हैं अगर पतले वाले हैं तो आपका अपने साथ हेयर हो सकता है, इसको अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज नहीं हो रहा है तो आप दो यूपिन लेके और यूपिन के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ।